और पास में जाकर के देख लिए तो अभय मन्ना मोर्चा के अंदर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अभय मन्ना को देख करके भयभीत हो जाती है, एक एक आंखें सो सो आंसू जाते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका दंड आज हमें बार बार के अंदर मिल रहा है। उस पाप जो योग वनवास मिल गया और ये एक पुत्र अभिमन्या जो भी आज मूर्छा के अंदर गिरा हुआ थी, भयभीत होने के पश्चात रुदन बताती है कि ये किसका पूत मरा जो कि मेरे पुत्र वितरण के अंदर आटा गिर के चला। पूत का नाम लेती है और ये आवाज चलती चलती थी कि पत्नी इडम्बा के कान में पड़ती है। इडम्बा मन मन विचार करी कि या तो कबाड़ो कर आयो तो तेरो बेटो का छोट पची कर आयो। निखर करके बाहर आती है और बाहर आने के पश्चात जब वह सुभद्रा को और अर्जुन को देखी तो सुभद्रा बार बार के अंदर है, बार बार के अंदर है, रुदन बता रही सुभद्रा को कुछ नहीं दिख रहा, न तो कोई देवी देवता, न कोई भाई बंद, मात्र एक पुत्र अभिमन्या दिखाई। अपनी बात को सुनकर के तेरा सुन Thank you.
दिलों से राखी या गोदी मैं तेरा किस भी दराज भय मन जा मैं तेरी सुन लागे